था वो शुरू कर चुके हैं, और मोशन चैप्टर के अंदर में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि क्या था कि क्या हमारे पास में रेस्ट होता है और क्या मोशन होता है, किस तरह से हम किसी रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे उसको डिफाइन करते हैं कि बॉडी हमारी रेस्ट में है या फिर ये मूव कर रही है। हमें उसके लिए क्या था, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मोशन जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं, तो आपने 6 तरह के मोशन पढ़े थे, कौन से मेरे साथ में एक बार रिकैप्चुलेट कर लीजिएगा। पहला कौन सा था, रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, तीसरा हमारे पास में कौन सा था, सर्कुलर मोशन, देन हमने पढ़ा था कौन सा, रोटेशनल मोशन या फिर रोटेटरी मोशन के नाम से आपने जाना था। उसके बाद में हमने देखा था कि एक ऑसिलेटरी मोशन होता है और वाइब्रेटरी मोशन। इन सब 6 के 6 मोशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मोशन जो होता है हम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर देते हैं कि बॉडी 1 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में या फिर 3 डायमेंशन में, यानी कि किस तरह उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में। बहुत सारे इसके मैंने एग्जाम्पल आपको करवाए हैं, ठीक है। फिर हमने देखा था कि क्वांटिटी जो होती हैं उनको किस किस तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, एक हमारे पास में वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्केल और उसके डायरेक्शन की जरूरत होती है। स्केल का मतलब उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, प्लस में उसकी डायरेक्शन की रिप्रेजेंट करने की जरूरत होती है। इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझा। देन हमने पढ़ा था कि क्या डिस्टेंस होती है और क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्टेंस आपने कहा था कि जो पाथ लेंथ होती है, यानी कि जो बॉडी ने एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसकी जो लेंथ होगी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस से। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, किसमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के अंदर में उनके बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको आपने बोला था डिस्प्लेसमेंट के नाम से। इसकी यूनिट आपने बताई मेरे को मीटर होती है। देन हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे इसके रिगार्डिंग, कुछ हमारे पास में न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन चीज़ों के बारे में भी आपने जानने की कोशिश की है। फिर हमने जाना था कि कुछ हमारे पास में टर्मिनोलॉजी आएगी, स्पीड के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। तो स्पीड में हमने बेसिकली एक डिफाइन किया था कि बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन यूनिट टाइम। मैंने यहाँ पर यूनिट टाइम मेंशन किया था, मैंने ये नहीं कहा था कि यूनिट सेकंड में, यूनिट मिनट में या फिर यूनिट आवर में। वहाँ पर मैंने एक टर्म यूज़ किया था यूनिट टाइम के अंदर। तो यूनिट टाइम आपका कुछ भी हो सकता है, सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, और आर भी हो सकता है, और डे भी हो सकता है। तो वो सारी कैलकुलेशन हम बात करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे, क्या क्या हमारे पास में न्यूमेरिकल में गिवन डेटा होगा हमें फाइंड करना पड़ेगा वही चीज़ को। लेकिन हमें अपने ऐसा यूनिट को नहीं बोलना है कि टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, डिस्टेंस की क्या होती है, लेंथ आप जब मेजर करते हैं तो उसका मीटर होता है। तो आपको सारी कैलकुलेशन इसी बेस पे करनी है। लेकिन हमारे पास में प्रैक्टिकली यूनिट जो होंगी, हम लेंथ को जो हमारी डिस्टेंस होगी उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपकी बाइक होती है उसके डायल के ऊपर में किलोमीटर पर आवर ही लिखा होता है, मीटर पर सेकंड नहीं लिखा होता, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल यूनिट में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब भी डिस्टेंस होगी इसको किलोमीटर में यूज़ करेंगे, टाइम होगा उसका आवर में यूज़ करेंगे, और जो स्पीड आएगी हमारे पास में किलोमीटर पर आवर में यूज़ करेंगे। चलिए तो होप्स हो यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा, चीज़ों को पढ़ा भी होगा। आज हम थोड़ी सी और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट टाइम इसकी डेफिनेशन आपको लिखवा दिया था शायद, कि एवरेज स्पीड का मैंने आपसे कहा था कि एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और मैंने ये भी बताया था कि ये हमारा फॉर्मूला जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे आप पीछे का कोई भी फॉर्मूला बोल जाओ, लेकिन इस फॉर्मूला को याद रखना थ्रू आउट जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्या हमारे पास में एवरेज स्पीड होती है। मान लो कि मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी बस है मेरे पास में, और वो ट्रेवल कर रही है कुछ इस तरह से, और हमने मान लिया है कि ये बॉडी यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, उसने ट्रेवल किया S1 डिस्टेंस, और हमने कहा कि ये इसने ट्रेवल किया T1 टाइम में। फिर दूसरा मैंने बात किया यहां पर, हमने कहा है बॉडी ने ट्रेवल किया S2 डिस्टेंस, और ये आपने दे दिया T2 टाइम हो गया यहां पर, ठीक है। और तीसरा हम बोले कि ये बॉडी ने ट्रेवल किया T3 टाइम के अंदर में। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक आ जाती है कि भाई ये डिस्टेंस जो आप मेजर करवा रहे हो क्या किसी के रिस्पेक्ट में है, ठीक है, क्या किसी के रिस्पेक्ट में, या इंडिविजुअली आप इन चीजों की बात कर रहे हैं। देखो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक इनिशियल टाइम का कंसेप्ट समझाता हूं। इनिशियल टाइम का कंसेप्ट समझो तो आपके लिए चीजें समझना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो इनिशियल टाइम आपने देखा होगा, कई जगह पे आपने पढ़ा भी होगा कि टाइम इज इक्वल टू जीरो। भाई क्या टाइम कभी जीरो हो सकता है हमारे पास में, मेरे को ये बताओ आप, टाइम जीरो नहीं हो सकता, यानी कि कुछ एक ना कुछ इसके साथ में कंसेप्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कंसेप्ट की बात करें तो टाइम इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि लेट अस सपोज मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूं, कोई मैं मेजरमेंट करना चाहता हूं, किसी चीज को मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो जैसे ही हमने उसको ऑब्जर्व शुरू किया, लेट अस सपोज कि हमारी घड़ी में मान लो 9 बजे, तो ये मेरे पास में रेफरेंस टाइम है, यानी कि मैं किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूं 9 बजे से लेकर। तो 9 बजे किया मैंने, फिर उसको मैंने 9:02 पे मेजर किया,
9:03 में मेजर किया, मैं मिनट्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्या ये टाइम यहीं से शुरू हुआ था? जी नहीं, इससे पहले भी टाइम रहा होगा, क्या रहा होगा, 8:58 रहा होगा, 8:56 रहा होगा, ये चीजें रही होंगी। तो यहां पर हम बात करें कि जिस पॉइंट को आप रेफरेंस मान के चल रहे हो, जिस भी पॉइंट को आप रेफरेंस मानोगे, ये मान लो मैंने इसको मान लिया रेफरेंस, यानी कि 9 बजे मैं अपनी सारी कैलकुलेशन शुरू करूंगा, तो इस टाइम को हम इनिशियल टाइम का नाम दे देंगे और हम बोलेंगे कि टाइम इज इक्वल टू जीरो है। बात समझ आई? तो ये टाइम क्या हो गया, इसको हम दूसरा टाइम बोलेंगे कि रेफरेंस टाइम से, यानी कि T1 टाइम दे दिया, T1 टाइम से ये 2 मिनट आ गया, 2 मिनट, ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया टाइम को। और तीसरा मेरे पास में 9:03, यहां पे मैं लिख दूं, ये मैंने 9:04 लिख दो, मैं 2-2 मिनट का गैप लेके चल रहा हूं इस टाइम पे, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको लिख दूं T2 टाइम, दैट इज इक्वल टू कितना, ये भी मेरे पास में क्या हो गया, 2 मिनट का गैप हो गया। यानी कि आप यहां पर बात करोगे इन दोनों के बीच के गैप की, बात करूं यहां से, सॉरी ये मेरे पास में 4 हो गया, 4 मिनट, जो भी हम कैलकुलेशन लेंगे वो T0 के रेफरेंस से लेंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि इस टाइम का क्या बात करें, 2 मिनट का हो गया, और ये मेरे पास में क्या हो गया, 4 मिनट हो गया। यानी कि ये 4 मिनट लिखने का मतलब क्या है कि ये अपने रेफरेंस पॉइंट से, अपने रेफरेंस पॉइंट से कितना टाइम लिया है इसने यहां तक आने में, 4 मिनट लिया। जिस ओरिजिन, जिस इनिशियल टाइम को आपने एज्यूम किया था 9 बजे, वहां से ये 4 मिनट पर है, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि आगे बढ़ते हुए। अब बात करें कि भाई क्या 9 बजे से ही पूरी दुनिया शुरू हुई थी, आंसर इज नो, उससे पहले भी थी, यानी कि उससे पहले क्या था, ये मेरे पास में था 8:58, तो इसको हम मान लेते कि ये हमारा नेगेटिव टाइम है, यानी कि जिस भी रेफरेंस पॉइंट को आप मान रहे हो उससे पहले का टाइम आपका क्या होगा, नेगेटिव टाइम में कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये भाई मेरे पास में T1 टाइम है, लेकिन कितना, -2 मिनट, यानी कि किसमें चला गया, नेगेटिव में चला गया। ये मेरे पास में क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट से नेगेटिव में, यानी कि इससे पहले है, तो आप बोलोगे ये T2 टाइम है, दैट इज इक्वल टू -4 मिनट। किसी ने कहा कि नहीं जी हम तो मानेंगे 9:02 को अपना रेफरेंस पॉइंट मान के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको मान के चल लो आप, इसको मानोगे तो क्या हो जाएगा, T0 यहां से शुरू हो जाएगा, और ये कितना होगा, T=2 हो जाएगा, और यहां उल्टे जाओगे तो इसके पास में क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा ये T1, ये आप 3 मान लो, तो ये हो गया -2, T4 -4, और T5 कितना हो जाएगा, -6। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सेटअप कर सकते हो। लेकिन यहां पे मेन मोटिव आपका समझने का ये है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम का हम अज्यूम करते हैं कि जिस टाइम से हम शुरू कर रहे हैं उस पॉइंट को हम इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं और वहीं से सारी कैलकुलेशन लेना शुरू करते हैं। जैसे हम डिस्टेंसेस की बात करें कि डिस्टेंस हम मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेता हूं, लेट अस सपोज आपके घर के आसपास में कोई मंदिर होगा, कोई और घर होगा या पुराना घर होगा, किसी को भी आप एक रेफरेंस पॉइंट मान लो, एक मंदिर आपने मान लिया कि वह मंदिर हमारे घर के पास में, मैं उसको रेफरेंस पॉइंट मान के चलता हूं, तो उस रेफरेंस पॉइंट से आप कितनी दूरी पे हैं, पहली बात ये मान लो, ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपने रेफरेंस पॉइंट माना है, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास में ओ से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ओ से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो भी हमारे पास इनिशियल होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड टर्म यूज कर लेते हैं ताकि हर बुक में आप पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो तो आपके पास में यही डाटा मिलेगा, वहां पर भी ओ से ही हम लगभग हमारे रेफरेंस पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई बाई हर्ट करने की चीज नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो, ए लिख दो, बी लिख दो, कुछ भी लिख दो आप इसके ऊपर, ठीक है। तो इस रेफरेंस पॉइंट से मान लो ये आपका घर है, ये आपका होम है, ठीक है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से आपका घर कितनी दूरी पे है, लेट अस सपोज ये है S1 डिस्टेंस पे। दूसरा मैं बात करूं कि आपके घर से, आपका घर के आगे मान लो ये कोई शॉप है या कुछ और है, कोई ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड तक इस ओरिजिन की दूरी कितनी है, मैंने रेफरेंस किसको माना है, ये जो मंदिर बना आपके घर के पास, मैंने इसको क्या मान रखा है, रेफरेंस पॉइंट मान रखा है। तो यहां से आपकी ये दूरी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने पढ़ा था कि रेस्ट और मोशन हम कब बताएंगे, कि कोई भी बॉडी है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो हमारे इनिशियल पॉइंट, यानी कि जिस भी रेफरेंस पॉइंट है उससे कितनी दूरी पे है, या उसके रिस्पेक्ट में कितना अपने आप को चेंज कर रही है। तो आपने क्या बताया कि यहां से ये जो दूरी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये आपने नाम दे दिया S2, ठीक है। मान लो ये आपका स्कूल है, ये आपका स्कूल है, तो आप मेजर करना चाहते हो अपने रेफरेंस पॉइंट से यहां से, तो यहां से जो दूरी है, लेट अस सपोज ये आपने मान ली कि ये जो दूरी है, ये आपने नाम दे दिया S3। ऐसे बहुत सारी डिस्टेंसेज होंगी, हम सबको यहां पर रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे, लेकिन कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट में यहां पर ऑब्जर्व करके चलूंगा। चलिए, अब यहां पर मैंने बात किया, आप किसी ने कहा कि नहीं मैं अपने घर को रेफरेंस मान के चलूंगा, बिल्कुल भाई आप अपने घर को रेफरेंस मान लो, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास में ये मेरे पास में होम की मैंने बना दी अपने रेफरेंस लाइन, तो आपके घर से यहां तक की दूरी हो गई ये,
यानी कि आपने इनिशियल पॉइंट ये माना जो आपका यहां पर क्या था, ये कोई शॉप थी और ये आपका स्कूल था, यहां तक की दूरी। तो यहां से यहां तक की आपकी शॉप की दूरी जो होगी उसको आप मान लेंगे S1, और जो घोम से यहां तक की दूरी होगी वो क्या मान लेंगे हम, यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको मान लेंगे क्या, S2 मान लेंगे। और जो यहां पर घर से के पीछे आप मंदिर को भी तो दिखाना पड़ेगा, तो यहां से होम क्या हो गया है, आपके लेफ्ट साइड में हो गया है। तो जब भी हम बात करेंगे आपके लेफ्ट साइड की, तो ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से माइनस एस थ्री। यानी कि आप कोई रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो उसको कहीं पर भी आप शिफ्ट कर सकते हो, चाहे यहां करो चाहे यहां करो चाहे यहां पर, कहीं पर भी आप शिफ्ट कर लो, लेकिन आपको जो कैलकुलेशन लेनी है राइट साइड में जो भी होंगी सारी आपको लेनी है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में जो भी कैलकुलेशन लोगे वो होंगी हमारे पास में क्या, नेगेटिव। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्टेंस हमारी पॉजिटिव होती है उसमें हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो लेफ्ट साइड में सारी नेगेटिव होंगी जो भी रेफरेंस पॉइंट है, और राइट साइड में जितने भी कैलकुलेशंस होंगी वो हमारी क्या होंगी, पॉजिटिव कैलकुलेशंस आएंगे। चलिए यहां तक अगर कंसेप्ट समझ आ गया कि इनिशियल टाइम क्या होता है, इनिशियल डिस्टेंस क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, तो अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं जो मैंने यहां पर लिखा हुआ था, कि हम अगर एक बॉडी को अज्यूम करें कि वो एस वन डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है टी वन टाइम में, S2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है T2 टाइम में, और S3 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है T3 टाइम में। अगर यहां से हम ऑब्जर्व करें तो मैं रेफरेंस पॉइंट मान के चलूं यहां से डिस्टेंस S1, यहां से डिस्टेंस मानू तो S2, और यहां से मानू तो यहीं से S3 होगी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने रेफरेंस पॉइंट को शिफ्ट करता हुआ चलाऊं, मैंने कहा कि भाई ये डिस्टेंस है यहां तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी को मैंने कहा S1 डिस्टेंस है, और इसने जो टाइम लिया वो T1 टाइम ले लिया है। यहां मैं रेफरेंस इनिशियल पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैंने गिवन डेटा दे दिया कि इतने टाइम में 2 सेकंड में 3 सेकंड में मैंने S2 डिस्टेंस या S1 डिस्टेंस को ट्रेवल किया। उसी तरह से ये जो डिस्टेंस है इंडिविजुअल डिस्टेंस को मैं रेफरेंस पॉइंट नहीं मान रहा, उसके अंदर में रेफरेंस पॉइंट से पहले ये कैलकुलेट किया गया होगा, रेफरेंस पॉइंट से ये कैलकुलेट किया गया होगा, और इन दोनों का जब डिफरेंस इतने में से इतना आपने माइनस कर दिया तो आपके पास में जो ये बचेगी ये भी तो लेंथ ही बचेगी, और लेंथ को मैंने कहा था कि रिप्रेजेंट करने के लिए हम एस सिंबल का यूज करते हैं यहां पर, यानी डिस्टेंस है, इसलिए मैंने S2 लिखा है किसके बीच में, ये दूरी यहां से यहां तक की है, ये वाली यहां से यहां तक की है, और ये वाली कहां से कहां तक है, ये पॉइंट है, ये मान लो O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये आपके पास में C पॉइंट है, तीनों पॉइंट यहां पर मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये जो डिस्टेंस है, यानी कि पहले आपने पूरा मेजर किया होगा क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमें रेफरेंस पॉइंट से लेनी है, रेफरेंस पॉइंट से ये मेजर किया और यहां से यहां तक का आपने ये मेजर किया। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई यहां से आप दिल्ली चले जाओ, तो दिल्ली की पूरी डिस्टेंस है आपकी लगभग लगभग 150 किलोमीटर, बीच में कोई एक स्टॉप बना दिया आपने, मैंने कहा कि भाई आप मेरे को गुड़गांव से बताओ कि दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आप क्या करोगे, पहले दिल्ली तक मेजर करोगे फिर गुड़गांव तक मेजर करोगे, ठीक है, और दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या आएगी आपके पास में उस पर्टिकुलर स्लॉट की दूरी आ जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है कि जो मेरे पास में पूरा डिस्टेंस है उसमें से ये माइनस कर देंगे तो इस पर्टिकुलर स्लॉट की मेरे को क्या मिल जाएगी, डिस्टेंस मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी, जिसको मैं अपने कैलकुलेशन में यूज़ कर लूँगा। ठीक है, कंसेप्ट समझ आया कि क्या इनिशियल टाइम होते हैं और क्या हम रेफरेंस पॉइंट का यूज कर हमारे पास में चलाते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एवरेज वेलोसिटी का हमारे कैलकुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल टाइम का आपको कभी ये नहीं मानना कि कहीं आपको मिलेगा नेगेटिव टाइम, तो नेगेटिव टाइम होता नहीं है। नेगेटिव टाइम का सीधा सीधा मतलब होता है कि जिस भी पॉइंट को आपने रेफरेंस माना हुआ है उससे पहले का जितना भी टाइम है। ठीक है, यानी कि 9 बजे आपने कैलकुलेशन किया, 10 बजे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो 10 बजे से पहले का 1 सेकंड भी आप बात करोगे तो आपका नेगेटिव टाइम में चला जाएगा। चलिए अब बात करें आपके पास में एवरेज स्पीड की, यानी कि एवरेज स्पीड की आप बात करोगे तो एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला मेरे को बताया था क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां पर ये वर्ड जो मैंने कहा था कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही से रिप्रेजेंट किया था आपने। चलिए बात करते हैं अब इसके अंदर में, ये मैंने कुछ डेटा लिया था कि बॉडी ने S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया T1 टाइम में, S2 डिस्टेंस किया T2 टाइम में, और S3 डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने कितना, T3 टाइम के अंदर में उसने अपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। चलिए अब मैं यहां पर बात करूं कि ये बॉडी यहां से यहां तक O से A तक जा रही है, लेट अस सपोज V1 वेलोसिटी से, A से B तक जा रही है ये मान लो V2 वेलोसिटी से, और B से C तक जा रही है लेट अस सपोज ये V3 वेलोसिटी से। ये तीन चीजें मैंने लिख दी है, अब मैं इनके साथ साथ में एक एक के साथ में इसको ट्रीट करने की कोशिश करता हूं। चलिए अब मान लो मैं यहां पर बात करूं कि मेरे को जो क्वेश्चन के अंदर में है वो गिवन है, सारे डिस्टेंसेस गिवन है और टाइम डिस्टेंस, यानी कि पहला केस मैं आपसे कंसीडर कर रहा हूं कि मुझे एस गिवन है हर स्लॉट के बारे में, और दूसरा मेरे को टाइम गिवन है, तब मैं कैसे सोल्व करूंगा इसको। तीन केसेस के अंदर में बनेंगे कि आपके पास में क्या हो, स्पीड वेलोसिटी और टाइम गिवन हो, डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, या फिर आपको गिवन हो कि टाइम और सेकंड हमारे पास में गिवन हो, वेलोसिटी निकालनी हो,
ठीक है, तीसरा हमारे पास में वेलोसिटी और ये पता होगा, और उससे हम अपने क्या एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करें। तो पहला केस मैंने क्या दिया आपको कि मेरे को डिस्टेंस और टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो यहां से आप क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस सबसे पहले क्या जाओगे अपने फॉर्मूला पर जाओगे। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि टोटल डिस्टेंस, आगे से मैं टोटल डिस्टेंस को टीडी के नाम से लिखूंगा। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है कि कहां से कहां तक आपने ट्रेवल किया है, ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक ट्रेवल किया आपने, ठीक है। तो ओ से सी तक की डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, ये प्लस एस टू प्लस में एस थ्री, ये तीनों हमारे पास में क्या होंगी, डिस्टेंस होंगी, दैट इज एस वन प्लस में एस टू प्लस एस थ्री। और हमारे पास में टोटल टाइम की बात करूं तो आगे से मैं टोटल टाइम को टी टी के नाम से लिखूंगा। तो टाइम कितना लगा, लेट अस सपोज ये हमारा टी वन टाइम लगा, ये टी टू टाइम लगा, और ये मेरे पास में टी थ्री टाइम लगा, ये मेरे पास टी वन टाइम है, ये मेरे पास टी टू टाइम है, और यही मेरे पास में टी थ्री टाइम लगा। आपके फॉर्मूला में क्या अंदर में क्या क्या चीज चाहिए थी आपको, टोटल डिस्टेंस बिल्कुल हमारे पास में आ चुकी है, टोटल टाइम बिल्कुल आ चुका है। तो भाई देरी किस चीज की है, सीधा फॉर्मूला में रखो और आपके पास में आंसर आ जाएगा। यानी कि वी जब हमारे पास में वेलोसिटी हो या फिर हम स्पीड की बात करें तो वी से लिखेंगे, और जब एवरेज की बात करते हैं तो हमारे पास में ये आ जाएगा, यानी कि एस वन प्लस एस टू प्लस में एस थ्री डिवाइडेड बाई टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री। अगर यहां तक समझ में आ गया तो ये मेरे पास में वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला डिजाइन हो गया है। जब हम बॉडी को बात करें किस तरह का मोशन कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इक्वल डिस्टेंस में, सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल टाइमों में, ठीक है ना। या तो हमारी क्या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करिए इक्वल टाइम में, यानी टाइम स्लॉट हमारा एक 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 सेकंड मान ले, और अनइक्वल कभी 10 मीटर कभी 5 मीटर कभी 12 मीटर, इस तरह से वो ट्रेवल करती चली जाए। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा डिस्टेंस सेम हो, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, लेकिन टाइम अलग अलग हो जाए, कभी 5 सेकंड में कभी 6 सेकंड में कभी 12 सेकंड के अंदर में। तो ये क्या हो गया, दोनों हमारे पास में किस तरह के आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आ जाएगा, यानी कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। चलिए, तो हमें एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, एवरेज निकालने का मतलब यही होता है कि मान लो आप यहां से चले, घर से चले, कभी आप 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, कभी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, कभी 10 मीटर पर सेकंड से, कभी 40 मीटर पर सेकंड से। तो ऐसे में क्या हो गया, हमें एक स्पेसिफाइड एक पर्टिकुलर वैल्यू आपसे नहीं, आप मेरे को नहीं बता सकते कि आप किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, ओवरऑल जर्नी की एक एवरेज निकाल दी जाती है कि लगभग लगभग वो इसी वैल्यू के आसपास में रही होगी, ठीक है, जिससे के कारण में क्या हो गया होगा, वो इतना टाइम इसने लिया होगा, इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया होगा। तो उसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया और कितना उसने टाइम लिया है उस पूरी जर्नी को करने के लिए। तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एवरेज वेलोसिटीज की, एवरेज स्पीड की निकालने की जरूरत पड़ती है। बात समझ आई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मेरे पास में गिवन हो, ये तो आपने क्या था कि स्पीड आपको गिवन थी और टाइम आपको गिवन था। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये बन सकता है कि मेरे को गिवन हो, मेरे को यहां पर गिवन हो कि आपके पास में v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, और दूसरा क्या हो सकता है कि ये t टाइम से मूव कर रही है, यानी कि वेलोसिटी और टाइम हमारे पास में गिवन हो, वेलोसिटी और टाइम हमारे पास में गिवन हो, तब हम इसके साथ में कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसके अंदर में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आपको बताएं, आप अपने बेसिक फॉर्मूला पे जाएंगे, बेसिक फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए, एक टोटल डिस्टेंस चाहिए और एक मेरे पास में टोटल टाइम चाहिए। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे टोटल डिस्टेंस का, क्या मेरे को गिवन है, जी नहीं, क्या टोटल टाइम मेरे को गिवन है, टोटल टाइम गिवन है, बिल्कुल गिवन है, क्यों, क्योंकि मैंने दिया है कि टाइम भी गिवन, यानी कि टी वन इसका, टी टू इसका, टी थ्री इस टाइम का। तो टी वन प्लस टी टू टाइम, एक न्यूमेरिकल करेंगे उसके बाद में और क्लैरिटी आ जाएगी इस कंसेप्ट को लेकर ना। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि किस तरह से आप मैथमेटिकली उसके कैलकुलेट करने के फॉर्मूले की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। चलिए अब यहां पर बात करें तो आपको यह पता है कि टोटल डिस्टेंस तो भैया हमें गिवन नहीं है, ठीक है, हमारे पास में ये गिवन नहीं है, नीचे एस वन टू एस थ्री ये हमारे पास में गिवन नहीं है, लेकिन हमें वेलोसिटी दे रखी है कि भाई इतना स्लोट उसने ए ओ से ही इतने वी वन वेलोसिटी से ट्रेवल किया, नहीं 10 मीटर पर सेकंड से, ये आपको गिवन है, वी टू इसने इतने मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, ये इतना मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया, यानी कि आपको वेलोसिटी के बारे में जानकारी है, यानी कि टोटल टाइम के लिए हम कंफर्म नहीं है, टोटल डिस्टेंस के लिए हम कंफर्म नहीं है। तो हम टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला पर जाते हैं जो हमारा बेसिक है, ठीक है। तो क्या बताता है ये कि भाई आपने पढ़ा था कि स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही पढ़ा था आपने। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई मेरे पास में जो डिस्टेंस होगी उसको मैं क्या लिख सकता हूं, डिस्टेंस को आप कैलकुलेट करोगे स्पीड इंटू में टाइम। अगर मैं स्पीड को v से रिप्रेजेंट करता हूं तो वेलोसिटी इंटू में टाइम से आप रिप्रेजेंट कर दोगे,
बिल्कुल सही है। चलिए अब बात करते हैं s1 डिस्टेंस के लिए। तो s1 डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया, s1 डिस्टेंस में आप v1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं t1 टाइम के लिए, यानी कि v1 वेलोसिटी v वेलोसिटी से v1 t टाइम के लिए, तो t1 हो गया। उसी तरह से s2 डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया किससे, v2 t2 से। s3 आपने ट्रेवल किया किससे, v3 t3 से। भाई यही तो है कि इसने इतना डिस्टेंस इतने टाइम से, इतना इतनी वेलोसिटी इतने टाइम से, इतने वेलोसिटी इतने टाइम से। और अगर ये भी समझ में नहीं आता है तो आपको ये तो पता होगा कि भाई वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड होती है। तो दोनों कैंसिल आउट होंगे तो क्या बचेगा मेरे पास में, मीटर बचेगा। तो यहां से भी निकाल सकते हो कि आपके पास में रिजल्टेंट क्या आएगा, मीटर आएगा। मीटर का सीधा मतलब है कि लेंथ होगी, और लेंथ से मतलब है कि हमारे पास में यहां पर जब हम ले रहे हैं तो डिस्टेंस होगी। चलिए यहां पर मैं इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बताओ मेरे को, क्या आप टोटल डिस्टेंस के लिए कंफर्म हो गए हैं? बिल्कुल भाई कंफर्म हो गए हैं। कैसे, इन तीनों का सम कर दो, यानी कि आप इन तीनों का सम करोगे तो ये आएगा टोटल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू वी वन टी वन वी टू टी टू प्लस वी थ्री टी थ्री। कुछ नहीं करना, आप सीधे अपने फॉर्मूला में पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा। आपने फॉर्मूला में पुट किया तो आपके पास में, फॉर्मूला में पुट करोगे तो आपके पास v एवरेज क्या आ गया, v एवरेज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 डैश, ये हमारे पास में आ जाएगा t1 प्लस में t2 प्लस t3। न्यूमेरिकल से देखेंगे हम अभी थोड़ी देर में, तो आपको और चीजें क्लैरिटी के साथ में आनी शुरू हो जाएंगी। यानी कि दूसरा फॉर्मूला मेरा ये आ गया, ये मेरे पास में पहला फॉर्मूला आ गया, इसको मैं पहले फॉर्मूले के नाम से लिख लेता हूं। ये मेरे पास में दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये कब आया, जब मेरे पास में डिस्टेंस और टाइम गिवन हो। ये वाला कब आया, जब मेरे पास में वेलोसिटी और टाइम गिवन हो क्वेश्चन के अंदर में। जब हमारे क्वेश्चन में ये सारी चीजें डिटेल होंगी, क्वेश्चन आएंगे तब आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कैसे इसको अप्रोच करते हैं। चलिए तीसरा हम बात करते हैं कि आपके पास में डिस्टेंस गिवन हो, ठीक है, डिस्टेंस गिवन हो और आपके पास में वेलोसिटी गिवन हो। यानी कि तीसरा जो हमारा केस बनेगा, तीसरा केस बन सकता है, थर्ड केस, कि आपको क्या गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो और क्या गिवन हो, टाइम गिवन हो। ओके, तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर में, सॉरी, वेलोसिटी गिवन हो, हमारे पास में वेलोसिटी गिवन हो, ये हमारे पास में तीसरा केस बनता है। यानी आपको टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको टाइम के बारे में नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको कैलकुलेट करने का देखो, आप गए अपने बेसिक फॉर्मूला पर। भाई बेसिक फॉर्मूला आपका क्या है, एवरेज स्पीड दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। गए फॉर्मूला के पास में कि भाई क्या आपके पास में टोटल डिस्टेंस है, चलेगा भाई यहां पर हमने देखा टोटल डिस्टेंस, इसने कहा भाई बिल्कुल है मेरे पास में। क्यों, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है वो डिस्टेंस इज गिवन है। यानी कि एक कहा गया कि एक बॉडी ने 10 मीटर ट्रेवल किया, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकंड से। अगले उसने ट्रेवल किया 20 मीटर 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, यानी कि डिस्टेंस आपको क्या है, गिवन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल डिस्टेंस, ये मैं आपको बेसिक लेके चल रहा हूं। यहां से आप एक जर्नलाइज फॉर्मूला निकालोगे, उसको आप कहीं पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप ये एक बार क्विक रिवीजन कर लोगे, उसके बाद में आप क्वेश्चंस के अंदर में जब इंप्लीमेंट करोगे कहां से चीजें आई हैं, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगी। ये हमारे तीन पॉसिबल केसेस बनते हैं, उन तीनों पॉसिबल केसेस के बारे में मैं यहां पर आपको थोड़ा इंट्रोडक्ट करवा रहा हूं, ताकि न्यूमेरिकल्स जब आप सोल्व करोगे तो उनके अंदर में आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो टोटल डिस्टेंस के लिए गए, बिल्कुल गिवन है भाई टोटल डिस्टेंस एस वन, यानी कि दे रखा है कि कितनी दूरी से चल रही है, कितनी उसने ट्रेवल किया और कितना उसने तीसरा ट्रेवल किया, अलग अलग डिस्टेंसेस के बारे में उसने डिफाइन कर दिया। तीसरा हम बात करें हमारे पास में टोटल टाइम, क्या टोटल टाइम के लिए मैं कंफर्म हूं भाई यहां पर, आंसर इज नो, यानी कि मैं यहां पर टोटल टाइम के लिए कंफर्म नहीं हूं। तो यहां पर मेरे पास में इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि भाई मेरे को तो एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए, यहां पर वो कैलकुलेशन में हमें नहीं है। तो लेकिन हमें एक फॉर्मूला जरूर पता है भाई, क्या, कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम के लिए जो फॉर्मूला आएगा, टाइम यहां आ गया, स्पीड नीचे चलेगी, तो आप ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये मेरे पास में आ गया भाई। तीसरा ये भी तो यूज कर सकता हूं मैं इस फॉर्मूला को ड्राइव करके। चलिए अब आगे बात करें कि अगर मैं बात करूं कौन सी, टाइम टी वन के बारे में, कि भाई क्योंकि मेरे को फॉर्मूला में टोटल टाइम चाहिए, तो टी वन टाइम के लिए मैं बात करूं तो टी वन क्या हो गया मेरे पास में, टी वन इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, S1 ट्रेवल किया है पहले स्लॉट में, S1 ट्रेवल किया है किस वेलोसिटी से, V1 वेलोसिटी से, तो ये आ गया V1। जब T2 टाइम से ट्रेवल कर रहा है, T2 टाइम लिया उसने S2 डिवाइडेड बाय V2, और T3 टाइम उसने लिया है किससे, S3 डिवाइडेड बाय V3। यानी कि तीन आपके पास में आ गए, यानी कि आप कंफर्म हो गए आप टोटल टाइम के लिए। कैसे आएगा टोटल टाइम, ये तो भाई इंडिविजुअल टाइम आए हैं,
बिल्कुल सही, इन तीनों का हमें क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, और जब आप इन तीनों का सम करोगे तो आपके पास में टोटल टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम विल बिकम इक्वल टू कितना, सही कह रहे हो, ये आ गया एस वन वी वन, बिल्कुल आगे बोलो एस टू वी टू, नेक्स्ट एस थ्री डिवाइडेड बाई वी थ्री, यानी कि आपने ये निकाल दिया टोटल टाइम, टोटल टाइम के लिए कन्फर्म हो गए, फिर बचा के हमारे पास में कुछ नहीं, हमारा सीधा रखो और आपके पास में आंसर आ जाएगा, यानी कि v एवरेज इज इक्वल टू कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी थी s1 प्लस में s2 प्लस में s3 डिवाइडेड बाई s1 v1 प्लस s2 डिवाइडेड बाई v2 प्लस s3 डिवाइडेड बाई v3। ये मेरे पास में तीसरा जो फॉर्मूला था, तीसरा जो डेरिवेशन है वो यहां पर मेरे सामने आ गया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। तो जितना क्लैरिटी के साथ में समझोगे टॉपिक को उतना इजी होता चला जाएगा आपके लिए ना, बेसिक कंसेप्ट पे जाओ, उसे आगे मत भागो, बेसिक आपका क्लियर हो चुका है तो आप बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे, चाहे कुछ भी आपके सामने आए वो, ठीक है, होप सो नोट हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि कब कब कौन सा फॉर्मूला हमारे पास में यूज करना, मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, उस न्यूमेरिकल से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं सभी रब कर देता हूं, फॉर्मूलाज मैं खाली रखूंगा हमारे पास में, तो इसे रब कर देते हैं इसको। तीनों के हिसाब से आपको समझ में आए होंगे कि क्या क्या हमारे पास में केसेस बनते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल वे में मैं आपके सामने डालने की कोशिश करता हूं कि कैसे आप इसके कैलकुलेशन पर लेके चलोगे। मान लो कि यही ऑब्जेक्ट था जो यहां पर हमने बात किया, इन सब डेटा को मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं। पहला मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, वो क्वेश्चन होगा जब हमारे पास में क्या गिवन होगा, स्पीड सॉरी डिस्टेंस और टाइम गिवन होगा। एक ही क्वेश्चन को मैं तीन तरीके से आपके सामने सोल्व करवाऊंगा। ये मेरे पास में हो गया, ये आपकी डिस्टेंसेज होगी मान लो, और हमने डिस्टेंस जो ट्रेवल करी है, लेट अस सपोज की ये 20 मीटर का आपको गिवन है, ये 20 मीटर गिवन है, ये आपके पास में 40 मीटर गिवन है, ये दोनों की डिस्टेंस जीरो ओ ए बी, और यहां पर पॉइंट आपके पास में सी, और ये डिस्टेंस आपकी 60 मीटर से आपने ट्रेवल की है, ठीक है। लेट अस सपोज की इसको जो चलने में टाइम लगा होगा, यहां से यहां तक चलने में टाइम लगा होगा, वो हमने मान लिया है कि हमारे पास में ये 2 सेकंड लगे होंगे इसको, 2 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में इसको लगे हैं 8 सेकंड, और यहां से यहां तक जाने में उसको लगे हैं 5 सेकंड, ठीक है। यानी कि आप सीधा ये तो कह सकते हैं कि भाई ये मेरे पास में नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, ये भी चीज कंफर्म हो गई है, क्यों, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी नहीं आ रहा है, ना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस, या फिर अनइक्वल हमारे यहां पर सारी आ रही है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेरी गुड एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास में क्या है, फॉर्मूला गिवन है, ये रहा पहला जो मैंने निकलवाया था कि एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री, सभी को क्या कर दोगे आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को रिप्रेजेंट करोगे, वी एवरेज इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस 20 प्लस में 40 प्लस में 60, दैट विल बी इक्वल टू कितना, 2, 8, 10 और 5, 15, तो यहां से आप लेके आओगे कितना आ गया 20, ये 100, 120 डिवाइडेड बाई 15, ये आपके पास में मीटर में मैं ले रहा हूं, तो ये यूनिट आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी, यानी कि आपके पास में ये हमारे पास क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है कितनी, 120 डिवाइडेड बाई 15, तो आपके पास में जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो देन आंसर विल बिकम 8 मीटर पर सेकंड। देखो अब यहां से क्या हमारे पास में डेटा है कि भाई देखो बॉडी तो अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, लेकिन पूरी होल जर्नी का हमने एक आइडिया निकाल लिया कि पूरी जर्नी उसने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करी है, ठीक है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं, पहले फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन सेटअप हो चुका है। अब मान लो आपको यह दे दिया जाए कि क्या वेलोसिटी दे दी जाए कि टाइम को यहां से मैं आपका क्या कर दें, हम यहां पर टाइम हमारे पास में सॉरी डिस्टेंस हम दूसरे में क्या थी हमारे पास में, मैं आपको यहां से डिस्टेंस हटा देता हूं और वेलोसिटी यहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो वेलोसिटी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, लेट अस सपोज कि मेरे पास में जो वेलोसिटी है वो हमने बोल दिया यहां पर है ये 10 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास में 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये मेरे पास में 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये मेरे पास 8 मीटर पर सेकंड से चल रही है,
ठीक है, और लास्ट मेरे पास में जो आ रहा है ये मान लिया हमने कितना 12 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही है, ये मेरे पास में 12 मीटर पर सेकंड से हमने स्पीड के बारे में मैंने आपको एक गिवन डेटा यहां पर प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर में हम चेंज कर लेते हैं, यहां पर थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, रफ नहीं आएगा। ये मैं 5 मान लेता हूँ, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से यहाँ पर क्या कर रही है, ये ट्रेवल कर रही है। चलिए कोई नहीं, कुछ भी डाटा रखेंगे आपके इजीली सोल्व हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा क्या कर दिया कि आपके कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ज़्यादा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इसकी वैल्यू को 5 रख दिया, तो आप यहाँ पर जाएंगे, वी एवरेज का आपको फॉर्मूला पता है क्या है आपके पास में, V1 T1 V2 T2 V3 T3 T1 + T2 / T3। तो आप कैसे करोगे, सीधा क्या रखोगे, वेलोसिटी को टाइम के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया 20 आ गया। V2 T2 रखोगे तो आपके पास में क्या आ गया 40 आ गया। V3 T3 रखोगे कितना आ गया 60 आ गया, और टाइम आपके पास में कितना होगा 8, 10, 15 ये आ गया। यहां पर भी आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये भी कितना आएगा 120 / 15, दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। चाहे ऐसे निकालो, मैंने कहा था ना कि एक ही क्वेश्चन को मैं तीन तरीके से करवाऊंगा आपके सामने। ये पहला वे था जब क्या गिवन था मेरे पास में एस और टी गिवन थे, ये दूसरा टाइप है जब आपके पास में क्या गिवन थे वेलोसिटी और टाइम गिवन था। अब तीसरे तरीके से और सोल्व करवा देते हैं इसको, तो तीसरा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर, तीसरा जो टाइप है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, उसको यहां से हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तीसरे टाइप के आप गए, तो तीसरे टाइप में मैंने क्या दिया है आपको, मैं वेलोसिटी और आपको डिस्टेंस के बारे में बता देता हूं। ये वेलोसिटी मैंने बता दी है, और डिस्टेंस लेट अस सपोज मैं आपको बता दूं, ये 20 है, ये 40 है, और ये मेरे पास में 60 मीटर है, ये मैंने आपको डिस्टेंसेज दे दिया। तीसरे क्वेश्चन मैंने कहा एक ही क्वेश्चन को तीनों तरीके से, अगर आपको इस तरह से डेटा गिवन हो, यानी कि एस में और वेलोसिटी में डिस्टेंस गिवन हो और वेलोसिटी गिवन हो, तो कैसे सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने का तरीका वही हमारे पास में, पहले टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस आपने निकाल लिए, टोटल डिस्टेंस के लिए कंफर्म हो गया कितना 20 40 60 और 6 120 मीटर हो गया, 120 मीटर आपके पास में। लेकिन टोटल टाइम आपको नहीं पता है भाई, तो टोटल टाइम का आपको एक फॉर्मूला पता था कि भाई जो भी ड्यूरेशन है वहां पर आप क्या करो, आपके पास में जो वेलोसिटी है और डिस्टेंस है इनके बीच में एक रिलेशन पता था क्या, कि भाई डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी हमें क्या देगा, टाइम दे देगा। तो यहां से आपका 20 मीटर था, तो 20 / 10 प्लस 40 / 5 60 / कितना आ गया 12 आ गया। तो यहां से आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया आपके पास में 2 प्लस में ये आ गया 8 और ये आपके पास में कितना आ गया 5, तो टोटल टाइम आपके पास में कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 8, 2, 10, 5, 15 सेकेंड आ गया। आ गया, यानी कि आप अपने फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला था उसके अंदर में टोटल डिस्टेंस के लिए भी कंफर्म हो गए और टोटल टाइम के लिए भी कंफर्म हो गए। तो आप क्या निकाल लोगे इसके अंदर में, वेरी गुड, वी एवरेज निकाल सकते हैं। तो वी एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा ये 120 / 15, और फाइनल रिजल्ट में मेरे पास में आंसर क्या आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ मेरे को कि मेरे को तीनों क्वेश्चंस के अंदर में, तीनों टाइप के अंदर में क्या अलग अलग एवरेज वेलोसिटी मिली है, आंसर इज नो। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर में आपको चाहे कैसे भी घुमा के दे दे, जितने भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं इस क्वेश्चन की, वो सारी मैंने यहां पर आपके सोल्व करवा दी है। ठीक है, इससे बाहर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, आप इजीली जैसा भी टाइप आपके पास में क्वेश्चन का आए आप उसको इजीली कर ले जाओगे। अब छोटा सा एक इसके अंदर में ट्विस्ट आ जाता है कि भाई हम इसको यूनिफॉर्म मोशन बना दे, तो यानी कि सारी डिस्टेंसेज हैं वो इक्वल बना दें हम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस बना दें हम यहां पर, तो क्या हमारे पास में वेरिएशन आएगा। तीसरे केस के अंदर में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं। तो आपने अभी पढ़ा था कि आपके पास में अगर मैं 2 के लिए लेके चल रहा हूं, ये जो हमारे पास में फॉर्मूला जो ड्राइव होगा ना, ये केवल और केवल 2 जब वेलोसिटीज गिवन होंगी ना उन्हीं के लिए, 2 स्लॉट्स गिवन होंगे डिस्टेंस के, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर मान लो हमारे पास में ये आ गया है कि ये मान लो ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, मैं फिर कह रहा हूं कि ये केवल और केवल एप्लीकेबल होगा जब हम केवल 2 के लिए बात कर रहे होते हैं। ये डिस्टेंस एस ट्रेवल किया इसने, मान लो आप 10 मीटर चले, फिर अगले 10 मीटर चले, ये आ गया, लेकिन यहां पर वेलोसिटीज आपको अलग दे दी जाए। ये मान लिया हमने V1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया है और ये हमने V2 वेलोसिटी से ट्रेवल किया, डिस्टेंस हमारे पास में सेम है, यानी कि आपसे मैं कहूं कि आप अपने घर से स्कूल के अंदर में गए और स्कूल से वापसी अपने घर पर आ गए, तो आपने क्या डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया, लेकिन वेलोसिटी आपकी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो उस टाइम पे हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डायरेक्टली हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हैं। तो मेरे को ये बताओ आप जल्दी से कि यहां पर क्या होगा,
टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू कितना, 2s हो गया। टोटल टाइम बताओ जल्दी से, टोटल टाइम आपने निकाला कितना, एस वी वन प्लस एस डिवाइडेड बाई वी टू आ गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी आपने निकाली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे कितना, ये टोटल टाइम हो गया वी वन डिवाइडेड बाई एस डिवाइडेड बाई वी टू। और जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये एस को आप कॉमन ले लोगे तो ये हो गया टू, नीचे से भी एस को कॉमन ले लेंगे ये हो गया, तो ऊपर बचेगा मेरे पास में क्या, v1 प्लस में v2 डिवाइडेड बाई v1 इंटू v2, ये बचेगा। अब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा और ये s एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन रिजल्टेंट विल बिकम टू v एवरेज विल इक्वल टू कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई कितना v1 प्लस v2, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर में अगर हम बात करें तो इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, देखो अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रही है 20 मीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह का डेटा मैं आपको बना के दे दूं कि एक बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है 20 मीटर पर किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, दूसरे जो ट्रेवल कर रही है वो 30 मीटर पर, यहां पर हम माने ये हमारे पास में 40 मीटर डिस्टेंस हमें सेम रखनी है, 20 मीटर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, कुछ और वेलोसिटी दे दी, लेट अस सपोज मैंने यहां पर आपको दे दी है 5 मीटर पर सेकंड से, तो आपसे पूछा गया कि भाई इसका एवरेज वेलोसिटी निकालो, ठीक है, तो यहां पर इक्वल डिस्टेंस है तो हम वही कैलकुलेशन करेंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा इस चीज को लेकर, हम डायरेक्टली यहां पर हम शॉर्टकट यूज करेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्या शॉर्टकट है मेरे पास में कि भाई डिस्टेंस इक्वल है तो क्या कर दो, दोनों वेलोसिटीज का मल्टीप्लीकेशन कर दो, 10 इंटू 5 हो गई है, v1 into v2 हो गई है, डिवाइडेड बाई दोनों का सम कर दो 10 प्लस 5 और एक 2 बच गया, इस 2 को ऊपर लगा दो तो कितना जाएगा, द आंसर विल बी 10 into 5 50 और 100 डिवाइडेड बाई कितना गया 15, और जहां से ये जो आएगी इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, ये आप कैलकुलेट करके जो भी वेलोसिटी आएगी आप उसको बोल सकते हैं कि ये मेरे पास में एवरेज स्पीड आ गई है। बात क्लियर हुई, ठीक है, तो ये हमारे पास में एवरेज स्पीड से था कि किस तरह से आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन ये इजीली आपको दे सकते हैं, जहां से आप इनको क्वेश्चन को सेटअप लगा सकते हो। ठीक है, अब छोटा सा एक और आ जाता है इसके अंदर में, ये मेरे पास में तीसरा, कौन से तीन हम पढ़ चुके थे ऑलरेडी, तो ये हमारे पास में चौथा जो था, फोर्थ हमारे पास में शॉर्टकट यूज हो जाता है, पांचवा एक और आ जाता है, पांचवे में क्या होगा, पांचवे के अंदर में ये होगा मेरे पास में कि आपको वेलोसिटी गिवन होगी कि भाई आप यहां से यहां तक गए लेकिन आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो यहां पर एक टर्म मैंने आपके लिए यूज करी है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी, आपकी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती रही, ठीक है, यानी आप जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक चलाई पहले 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20 हो गया, यानी कि हर स्लॉट में क्या हो रही है, एक सेकंड में 5-5 के रेशियो से चेंज हो रही है, तो इसको बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली हमारी क्या हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, और जहां पर स्पीड चेंज का कंसेप्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सेलेरेशन। ठीक है, पढ़ेंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से, अभी थोड़ी देर के बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये कहता है कि अगर केवल आपको ये गिवन हो, ध्यान से सुनना, कि इनिशियल वेलोसिटी वी वन है मेरे पास में और फाइनल वेलोसिटी वी टू है, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बताएगा आपको, ये बताएगा कि इनिशियल वेलोसिटी वी वन है, फाइनल वेलोसिटी वी टू है, और बॉडी किस तरह का मोशन कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेशन मूव कर रही है। तो यहां पर v एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर v एवरेज का जो फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, इन दोनों वेलोसिटीज का क्या करो, सम करके हाफ कर दो, यानी कि एवरेज जो हमारे पास में आती है वो हो चुकी है डिवाइड बाय 2। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब बॉडी ने चलना शुरू किया, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि जहां पर आपने उसको फाइनली ऑब्जर्व किया। तो दोनों वेलोसिटीज का हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, हम उसको इजीली क्या कर लेंगे, दोनों के साथ में डिवाइड करेंगे, सम करके उन दोनों का क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इस क्वेश्चन में और इनमें क्या डिफरेंस है, भाई इस क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है, इसमें आपको इस स्लॉट की वेलोसिटी गिवन है, इसमें इस स्लॉट की गिवन है, यहां पर हमें इनिशियली किससे मूव किया और फाइनली जब हमने गाड़ी को या जिस भी बॉडी को हमने ऑब्जर्व करना छोड़ा वहां पर उसकी क्या वेलोसिटी है, उन दोनों का सम अप करके हम एवरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिकली पांच तरह के जो डेरिवेशन है, पांच तरह के जो इक्वेशंस होती हैं, जो पांच तरह के फॉर्मूला होते हैं, वो सारे मैंने आपके सामने ड्राइव कर दिए, इससे बाहर आपका एग्जाम के अंदर में एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन लिख के देख लेते हैं जल्दी से। ए बॉडी को हमने ऑब्जर्व किया, उसकी वेलोसिटी थी जब हमने ऑब्जर्व किया तो 20 मीटर पर सेकंड,
और फाइनली जब वो बॉडी कहीं पहुंच गई है तो उसकी हमने मान लिया 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इतना उसने क्या किया, यूनिफॉर्मली एक्सेलेट होते हुए इस पोजीशन पे चली गई है। एक्सेलेशन के बारे में अभी थोड़ी देर के डिस्कस करेंगे। तो वी एवरेज कैसे निकालोगे इसकी, देन वी एवरेज विल बिकम, दोनों का सम कर दो, 20 + 40 / 2, देन आंसर विल बिकम टू 60 / 2, यानी कि इसका एवरेज आ गया मेरे पास में 30 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ भी आपके पास में गिवन हो आप सारी वैल्यूज को निकाल लोगे। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप ध्यान रखना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपके बना के दे देगा। तो जब भी आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो ये फॉर्मूला लगाना है। जब इक्वल डिस्टेंसेज के स्लॉट गिवन हो, इक्वल डिस्टेंस की आप घर से ऑफिस गए, ऑफिस से वापसी आ गए, ठीक है, आप स्कूल गए, स्कूल से वापसी आ गए, एक ट्रेन चलती है यहां से दिल्ली गई, दिल्ली से वापसी आ गई, तो दोनों के अंदर में क्या है, डिस्टेंस सेम है, तो वहां पे आपको बार बार डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली करना चाहो तो इस डेरिवेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ वी वन वी टू डिवाइडेड बाई वी वन प्लस में वी टू, ठीक है। होप सो आपको सारी चीजें क्लैरिटी के साथ में आ गई होंगी, किस किस तरह से हम इनका यूज करते हैं, क्या क्या हमारे पास में फॉर्मुलेज होते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये समझ आ गया तो हम एक इससे अगली टर्म पर बढ़ जाते हैं जिसको हमने जाना है वेलोसिटी के नाम से। वेलोसिटी का कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास में, मैंने आपको जब लास्ट क्लास था उस टाइम पे भी ये बताया था कि वेलोसिटी में सिर्फ जहां पर हमने डिस्टेंस का यूज किया है वहां पर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज वेलोसिटी के बारे में डेफिनेशन लिख लीजिए नेक्स्ट हेडिंग डाल के, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, फिर से मैं बोल रहा हूं पर यूनिट टाइम बोला है मैंने, पर यूनिट टाइम हो गया। चलिए तो ये भी हमारे पास में वेलोसिटी जो होती है वो ही हमारे पास चार तरह की होती है, कौन कौन सी। पहला तो आपको मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं कि एक बॉडी जो है अगर ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा, वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। मैंने कहा था ना कि अगर आप ये फॉर्मूला रखेंगे ना तो आपको कहीं भी कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं इसको हटा दूं टोटल को तो खाली है मेरे पास में, क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी, और जब मैं टोटल को इसके साथ में जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगी, ये एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। यानी कि इसको आप चाहे एवरेज वेलोसिटी लिखो चाहे वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करो, हमारे पास में जब इसको हटा देंगे तो खाली वेलोसिटी बचेगी, और जब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, सेम जो हमने स्पीड के अंदर में अभी थोड़ी देर पहले देखा। सारे फॉर्मूला जो ऐसे रहेंगे, सारे के सारे केसेस जो ऐसे रहेंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा इसके अंदर में, चेंज ये आ जाएगा कि यहां पर जो वेलोसिटी आएगी, जो वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आएगी, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों आएगी, क्योंकि हमने अपने फॉर्मूला के अंदर में क्या यूज किया, डिस्प्लेसमेंट को यूज किया, तो ये वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास में बन जाती है। अब इस वेलोसिटी का वेक्टर क्वांटिटी बनने से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी कितने तरह की होगी हमारे पास में, जो हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट, जहां मैंने पहले आपको डिस्टेंस लिखवाया था वह सिर्फ ये करना है कि वहां पर डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख लोगे, डिस्प्लेसमेंट लिख लोगे। यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिफॉर्म हो गई है मेरे पास में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, बात वही रहेगी। और फोर्थ हमारे पास में क्या आ जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सारी हमारे पास में जो हमने स्पीड अभी तक पढ़ी है सारी वही चीजें हैं, बस वहां पर वो स्केलर क्वांटिटी के लिए यूज होता था, यानी कि डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती थी, यहां पर उनकी डायरेक्शन भी मैटर करेगी कि आपकी डायरेक्शन किस तरह से आपको उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए, ठीक है। लास्ट हमारे पास में इसके अंदर में तीन हमारी हो गई है, चौथी हमारे पास में क्या है, एवरेज वेलोसिटी हो गई है। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड होगी। अब बताओ मेरे को कि वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है, तो वेलोसिटी हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी है, देन इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आल्सो जीरो, यानी कि तीनों पॉसिबिलिटी जिसके अंदर में आ सकती हैं कि वेलोसिटी क्या क्या हो सकती है। आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कब, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, यानी कि आप जो रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं उसे राइट साइड में मूव कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने उन चीजों के बारे में डिस्कस किया। नेगेटिव कब होगी, जब आप रेफरेंस पॉइंट से अपनी लेंथ को लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं, यानी कि अपने डिस्प्लेसमेंट को लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं, जो आपने रेफरेंस माना है। जैसे आपने मंदिर को रेफरेंस माना था, फिर हम क्या से लगे थे, अपने घर पर शिफ्ट हो गए थे, तो घर से जब हमने मंदिर की कैलकुलेशन किया तो हमारे क्या आ रहा था, वो नेगेटिव आ रहा था, क्यों, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके लिए हमें डायरेक्शन डिफाइन करना है कि राइट जाना है या फिर लेफ्ट जाना है। जब भी आप लेफ्ट की बात करेंगे
तो आपका नेगेटिव हो जाएगा, और आपके राइट हैंड साइड में जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। जीरो कब होगी? जीरो का मतलब है कि आप गए, घर से निकले, मंदिर में गए या अपने स्कूल के अंदर में गए, वहां पर गए और वापसी आप अपने घर पर आ गए हो, तो आप इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? जीरो है। तो जीरो है तो हमारे फॉर्मूले में टाइम तो जीरो हो नहीं सकता है, चाहे कोई भी टाइम ले लो ये तो जीरो होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में क्या हो गई है? जीरो हो गई है। देन द रिजल्ट विल बी जीरो, यानी कि यहां पर हमारे पास में वेलोसिटी के अंदर में उसकी क्या मैटर करती है? डायरेक्शन मैटर करती है। तो डायरेक्शन मैटर करती है तो इसलिए वो प्लस भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और जीरो भी हमारे पास में हो सकती है। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर में। बाकी सारी कैलकुलेशन हमारी जो जितनी भी थी, एवरेज वेलोसिटी के 5 फॉर्मूले जो हमने पढ़े, वो सारे इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में हमारी बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। बहुत अच्छे से हम इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपसे पूछेगा कि इस बॉडी की ये बताओ मेरे को कि क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी। आप एक बॉडी है यहां से मूव कर रही है, यहां से मूव करते करते और यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हमारी बॉडी क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है। तो अब बताओ मेरे को, बिल्कुल सही, कि स्पीड यहां पर कॉन्स्टेंट रहेगी और वेलोसिटी यहां पर क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी, चेंज होती रहेगी। क्यों? देखो, जब आप यहां पर मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर में, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, स्पीड का आपने क्या फॉर्मूला बताया था? स्पीड हमारे पास में जो होती है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बॉडी की चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, कैसे भी मूव करती रही हो, तो हमारे पास में डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा, यानी कि उसका स्केल चेंज हो रहा होगा खाली। ठीक है, उसका स्केल चेंज हो रहा होगा, तो स्पीड हमारी क्या रहेगी? कॉन्स्टेंट बनी रहेगी। अगर कौन सा मोशन है मेरे पास में? यूनिफॉर्म मोशन है। बॉडी किस मोशन में मूव कर रही है? यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी के अंदर में देखो, सबसे पहले यहां पर बात करें तो ये जो बॉडी है यहां पर इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि इसका मूव करने का ये डायरेक्शन हो गया। जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगी इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है, जैसे यहां पर पहुंचेगी इसकी डायरेक्शन, जब टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमें डायरेक्शन बताता है उस पॉइंट की। पता होगा ये आपको कि जहां पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, जिस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, ये टेंजेंट मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये बॉडी क्या करेगी? उसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेगी। ये यहां पर ड्रॉ कर दूंगा तो ये क्या होगा? यहां पर होगी। और यहां पर मैं कर दूंगा तो ये इसकी डायरेक्शन बताएगा यहां पर। अब बताओ मेरे को, क्या इसकी डायरेक्शन सेम है? जैसे आपने देखा होगा ना, साइकिल देखा होगा या फिर बाइक देखी होगी, तो पीछे मडगार्ड लगे होते हैं। बारिश के महीने में क्या होता है, जैसे आपका टायर घूम रहा होता है बाइक का, तो मिट्टी जो होती है या उसके ऊपर में जो रखा हुआ मिट्टी जो होती है, गिल्ली मिट्टी हो जाती है, जैसे टायर रोटेट कर रहा होता है तो वो ऐसे बाहर की तरफ में भाग रहा होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या है? वो डायरेक्शन है। अगर आपने उसको उस डायरेक्शन में छोड़ दिया तो वो ऐसे जाने की कोशिश करता है, यहां पे रखा तो ऐसे जाने की कोशिश करता है। ये बॉडी भी इसके अंदर में मूव कर रही है, लेकिन क्यों क्यों मूव कर पाई? क्योंकि इसके पास में फोर्सेज लग रहे हैं जो इसको रोक के रखे हुए है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो इस पॉइंट पे आने के बाद में बॉडी सीधी निकल जाती। बात समझ आई? कि अगर ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो कंफर्म है कि इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस किए हुए है और सर्कुलर पाथ में लगाए हुए है। जैसे एक पत्थर लिया आपने, एक रस्सी पे बांध लिया और पत्थर को ऐसे घुमा रहे हो आप अपने धागे से लपेट के, और तुरंत आप उसको क्या कर दो? छोड़ दो, तो क्या करेगा? घूमता रहेगा या एक डायरेक्शन में जाकर गिर जाएगा? बिल्कुल सीखा, वो एक डायरेक्शन में जाकर गिर जाएगा। वो यही केस है, क्योंकि आपने उसको क्या कर रहा है, जब अपने हाथ से घुमा रहे हो तो उसको एक सेंट्रलाइज फोर्स दे रहे हो, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे इसके बारे में क्या होती है ये। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रही है, जिसके कारण में क्या कर रहा है? वो हमारे एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। लेकिन जैसे आपने उसको छोड़ा तो उसकी टेंडेंसी है कि जहां पर आपने छोड़ा वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अब यहां बताओ कि भाई क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? बिल्कुल सही कहा, यहां पर हमारे पास में जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया, जो वेलोसिटी की हम बात करते हैं, तो वेलोसिटी के अंदर में हमारी डिस्प्लेसमेंट आती है और डिस्प्लेसमेंट के साथ में टाइम आता है। अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, देन इट इज वेरिएबल, और इट कैन बी क्या हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और जीरो हो सकती है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। मान लो आपका आंसर पहले -2 आया, फिर +2 आया, और लेट अस सपोज बाद में किसी पॉइंट पर 0 आ गया, तो भाई इसकी वैल्यू तो चेंज हो रही है। बेशक उनके हमारे क्या हो रहे हैं, स्केल हमारे क्या हो, दोनों हमारे पास में सेम हो, +2 और ये +2 है और ये भी 2 है, लेकिन उनके क्या साइन चेंज हो रहे हैं? साइन चेंज हो रहे तो क्या कहेंगे? हमारे पास में ये वेरिएबल हो गई है और वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी इज ए
वेरिएबल क्वांटिटी इन ए सर्कुलर मोशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि ऐसा मोशन बताओ जिसके अंदर में स्पीड कॉन्स्टेंट हो लेकिन वेलोसिटी इसके अंदर में वेरिएबल हो। तो चीजें समझ आई कि कैसे हम स्पीड और वेलोसिटी के साथ में कंपैरिजन करते हैं, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर ये आपके क्लियर हो जाते हैं ना स्पीड और वेलोसिटी के अंदर में, तो आपके जितना भी बेस है वो तैयार हो चुका है। एक बस छोटा सा एक्सेलरेशन के बारे में मुझे और आपसे कंसल्ट करना पड़ेगा। जब हम इक्वेशन और मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे तब उसके साथ में जोड़ के एक्सेलरेशन को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। अभी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास तक, नेक्स्ट लेक्चर तक आप उसको थोड़ा सा भूल जाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी जो इतनी कहानी चल रही है ना हमारी, रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये सब कहानी हम मुझे उन इक्वेशंस पर ले जाने के लिए चल रही है, ताकि मैं आपको उन इक्वेशंस पर जब लेके जाऊं तो मैं एक इक्वेशन आपको कराऊं, बाकी सब आप अपने जो नॉलेज है, प्रीवियस जो नॉलेज ली है उसके बेस पे सारे के सारे आप इजीली कर लो उसके अंदर। ठीक है, तो यहां पर समझ आई कि क्या वेलोसिटी होती है, किस तरह से हम एक सर्कुलर मोशन के अंदर में वेरिएबल स्पीड होती है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है और कॉन्स्टेंट हमारी स्पीड होती है, चाहे वो दोनों 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही हो। अगर मैं यहां पर यह बोल देता 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर भी बोल देता 2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी मैंने दे दिया आपको, स्पीड दे दिया, तो आप कहते हैं कि भाई अगर खाली ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि स्पीड है, और स्पीड क्या कर रही है हमारी, कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो प्लस माइनस के साइन आ गए हैं, तो इसका क्या हो गया, आपके पास में वेरिएबल क्वांटिटीज आ गई हैं, तो हम इस तरह से इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेस तैयार हो चुका है, लगभग लगभग आप मोशन के अंदर में आप अपना बेस 70% तैयार कर चुके हैं। 10% आपका तैयार हो जाएगा किससे, एक्सेलेरेशन पढ़ाएंगे तब, क्योंकि सारी कहानी एक्सेलेरेशन पर जाकर सिमट जाएगी, और फिर उनका हम इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जो 20% बचेगा उस 20% में इक्वेशन ऑफ मोशंस प्लस में उनसे क्या हमारे पास में एग्जांपल बन सकते हैं, क्या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज हम उसके अंदर में देखेंगे। मैं फिर बता रहा हूं आपको, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पर लेकर चलूंगा। बेशक हमारे लेक्चर लंबे बनते हो, बेशक हमारा 1 घंटे का लेक्चर बनता हो, लेकिन आपको इतना कंटेंट मिल जाएगा कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है कहीं और चीज़ें पढ़ने की, किसी और बुक को पढ़ने की। ठीक है, ये मेरे 8 से 9 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो सारे के सारे यहाँ पर मैं आपको ब्रीफराइज कर रहा हूँ, जितना भी मैंने सीखा है, जितनी भी चीज़ें मैंने बच्चों को अपने पढ़ाई है, ठीक है, उन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ताकि आपको वन शॉट में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि आपको बाहर भटकने की जरूरत ना पड़े। तो आप इस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिएगा, कंटेंट और क्वालिटी फिर बोल रहा हूँ, कंटेंट और क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको ऑथेंटिकेटेड मिलेंगी, सारी जो चीज़ें हैं वो सारी अपनाई गई हैं, सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट है, बहुत से बच्चों को हमने सिलेक्शन भी दिया है, बहुत से बच्चों ने हमसे पढ़ाई भी करी है, यहाँ पर कोई भी आपके साथ में इस तरह का कंटेंट के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा, नेगेटिविटी को दूर रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है नेगेटिविटी को दूर रखिएगा, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, जिसका हाथ पकड़ो बस उसी के साथ में चल पड़ो, और उसी की जो चीज़ें बता रहे हैं उसको आप फॉलो करते चलो, आप एक दिन जरूर सक्सेस हो जाओगे। और याद रखना, जिंदगी के अंदर में कभी भी एक्सक्यूज और सक्सेस एक साथ नहीं रह सकते। कि आप एक्सक्यूज भी देना चाहो कि मैं एग्जाम तो दे देता, मैं क्रैक तो कर देता, लेकिन मेरे को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई, मेरे को घर पे लाइट नहीं आ रही थी, घर पे रिलेटिव आ गए, ये सारे क्या आपके एक्सक्यूजेज हैं भाई। जो दुनिया है उसको क्या चाहिए, आपकी सक्सेस चाहिए, कोई आपके एक्सक्यूज नहीं सुनने के लिए बैठा है। ठीक है, तो आप एक्सक्यूज देना बंद करो और अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने की कोशिश करो, और एक दिन जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपके बोर्ड लेवल पर तो पहले खत्म हो चुकी थी, लेकिन अभी जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं ये आपके कंपिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप कम्पिटिटिव लेवल के लिए भी फोकस करो। कम्पिटिटिव लेवल भी अगर आप NTSC IGSO ये एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आपके जब IIT या किसी भी एग्ज़ाम को दोगे तो वहाँ पर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं बता रहा हूँ कि आपका मैं यहाँ पर 9th के अंदर में इतना बेस तैयार कर दूंगा कि आप 11th में जाओगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजी लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, और कुछ अलग करके देखेंगे अगले में। ठीक है, थैंक यू सो मच।